इलाके में हुई मुठभेड़, बदमाशों की जेब से 19 जिंदा कारतूस मिले। तीनों शूटर्स पर हरियाणा पुलिस ने रखा था कई लाखों रुपए का इनाम। हिसार के कई व्यापारियों से 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। बिहार के दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस में लहराया फिलिस्तीनी झंडा। वायरल वीडियो में फिलिस्तीन के समर्थन का युवक ने पहन रखा है टी शर्ट। मुहर्रम के पहले दिन मिट्टी लाने के रस्म के दौरान की यह घटना। वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई बिहार पुलिस, जहां दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के लिए जांच के आदेश दिए। कहा जांच के बाद दोषी पर कानूनी कार्रवाई होगी। अब हर साल 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर जानकारी दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 25 जून को संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। आपातकाल पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने का दिन। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, 1975 में इंदिरा गांधी ने जो किया वो लोकतंत्र की हत्या थी, इसे लोग भूल नहीं सकते। हमें हमेशा इस बात से अवगत रहना चाहिए। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत। एनडीए के सभी 9 उम्मीदवार जीते। कांग्रेस को मिली एक सीट। कांग्रेस के 7 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव परिणाम पर कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि विधानसभा में भी ये सिलसिला चलता रहेगा और मोदी जी के नेतृत्व में हम विधानसभा में सरकार बनाएंगे। मुफ्त बिजली योजना की सब्सिडी बंद करने पर हिमाचल सरकार पर भड़के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, कहा कांग्रेस सरकार ने बिजली की सब्सिडी बंद कर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। 10 जुलाई को 13 सीटों पर मतदान हुआ था। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटिंग की गिनती। एक बार फिर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर। आज मुंबई दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 29 करोड़ रुपए के करीब ज्यादा लागत वाली रेलवे, सड़क और बंदरगाह क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। यूपी के कुशीनगर में भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों में घुसा पानी। घर में फंसी महिला को पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू किया। 4 दिन बाद खुला जोशीमठ में बाधित बद्रीनाथ हाईवे। फंसे यात्रियों ने ली राहत की सांस। आवाजाही शुरू होते ही लगा लंबा जाम। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। शाहजहांपुर में बाढ़ से हालात बेकाबू है, जहां अब तक 10,000 लोगों ने खाली कराए घर। शेल्टर होम बना ठिकाना। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वायुसेना का अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया के एयरफोर्स बेस डार्विन में शुरू हुआ हवाई अभ्यास पिच ब्लैक। वायुसेना के सुखोई 30, F-35, F-22, F-18, F-15 ग्रिपेन और टाइपून लड़ाकू विमान शामिल। सेना प्रमुख बनने के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी का पहला नॉर्थ ईस्ट का दौरा, जहां नागालैंड के दीमापुर और आसाम के तेजपुर आर्मी कमांड पहुंचे। सेना प्रमुख मणिपुर और म्यांमार सीमा के सुरक्षा हालात की उन्होंने समीक्षा की। जम्मू के अखनूर में 2 से 3 संदिग्ध आतंकी दिखने के बाद से सर्च ऑपरेशन तेज हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल सेल के साथ सघन तलाशी अभियान चला रही है सेना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 34 साल के बाद फिर से खोला गया उमा भगवती मंदिर। विधि विधान से खोले गए कपाट। कश्मीरी पंडितों ने भजन गाकर मनाया जश्न। आम आदमी को लगा महंगाई का झटका। जून में खुदरा महंगाई पर दर बढ़कर 5.8% हो गई है, जहां मई में 4.8% खुदरा महंगाई दर थी। आईएएस पूजा खेड़कर विवाद पर कमेटी की जांच तेज हो गई है। पूजा के ओबीसी दिव्यांगता सर्टिफिकेट की भी हो रही है जांच। 2 हफ्ते में कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। विवाद पर बोली पूजा कमेटी को दूंगी जवाब। पूजा खेड़कर की मां का किसानों को धमकाने का वीडियो हुआ वायरल। हाथ में बंदूक लेकर किसानों को धमकाती दिखी पूजा की मां, जहां जमीन विवाद पर किसानों को धमकी दे रही थी। सीआईएसएफ जवान को थप्पड़ मारने की स्पाइस जेट की महिला कर्मचारी को जेल। 1 दिन पहले महिला ने जवान को मारा था थप्पड़। सुरक्षा जांच को लेकर हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीएसएफ एकेडमी से 2 लेडी ट्रेनर के लापता होने का मामला। बांग्लादेश बॉर्डर से सटे मुर्शिदाबाद में मिली दोनों ट्रेनर। बीएसएफ अधिकारी और पुलिस कर रही है पूछताछ। नेपाल की गिरी पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार। संसद में विश्वास मत हारे। पीएम पद से इस्तीफा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री होंगे केपी शर्मा ओली। राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। रविवार को शाम 5 बजे लेंगे शपथ। विश्वास मत हारने के बाद पुष्प कमल दहल ने इस्तीफा दिया।
उत्तराखंड में अक्टूबर से लागू होगा समान नागरिक संहिता। सीएम धामी बोले, लोगों को आसानी से मिलेगा न्याय। यूसीसी में लिव इन रिलेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य। हाथरस में साकार हरि उर्फ भोले बाबा की गिरफ्तारी की उठी मांग। बीकेओ के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में बाहर धरना दिया, जहां हाथरस हादसे में मृतक पीर आश्रितों को 1-1 करोड़ रुपए देने की मांग। यूपी के गाजीपुर में ऑनलाइन हाजिरी का शिक्षकों ने विरोध किया। शिक्षकों ने उठाई अपनी पुरानी मांगे, बोले समायोजन के साथ सरकारी छुट्टियां भी बढ़ाई जाए। नालंदा के दरियावा स्टेशन के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी। मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे, ट्रेनों का परिचालन हुआ बाधित। हादसे में किसी तरह की जान माल के नुकसान की खबर नहीं। यूपी के फतेहपुर में युवक के पीछे पड़ा सांप, 40 दिन के अंदर 7वीं बार डसा। युवक को आईसीयू में भर्ती कराया गया। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। 11 बीघा जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी पर हुई कार्रवाई। अवैध कॉलोनी के बाद हड़कंप मचा। मथुरा में एक्सप्रेसवे से वृंदावन मार्ग की चौड़ीकरण को लेकर चला अतिक्रमण अभियान, जहां कई नामचीन ढाबे, रेस्टोरेंट और होटल्स को ध्वस्त किया गया। ध्वस्तीकरण अभियान से लोगों में खलबली मची। बिहार में नीट पेपर को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। पटना हाईकोर्ट ने 13 आरोपियों को सीबीआई रिमांड में भेजा। आरोपियों से आमने सामने पूछताछ होगी, जहां मुख्य आरोपी से भी आमना सामना कराया जाएगा। दिल्ली में शंभू बॉर्डर को ब्लॉक करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा नेशनल हाईवे कैसे बंद कर सकती है राज्य सरकार। शंभू बॉर्डर को यातायात के लिए खोलने के निर्देश दिए। ग्राम अदालतों से अब जल्द मिलेगा इंसाफ, लंबित नहीं रहेंगे मुकदमे। सुप्रीम कोर्ट ने तेजी से काम करने के निर्देश दिए, जहां ट्रायल कोर्ट में लंबित मामलों में भी कमी आएगी। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को राहत के बाद लगा झटका। सीबीआई केस में न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ी। ईडी की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली है अंतरिम जमानत। यूपी के मथुरा कोर्ट की बढ़ाई की सुरक्षा। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के 100 जवान तैनात हो गए, जहां जल्द मंदिरों और प्रमुख संस्थानों की सुरक्षा में भी एसएसएफ के जवान तैनात किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में भाई बहन और बच्चे की मौत, एक बच्ची घायल। नाराज परिजनों ने हाईवे जाम किया। यूपी के हाथरस में यात्रियों से भरी मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी। गाड़ी में सवार 30 लोगों में से 10 की हालत गंभीर। गाड़ी के ब्रेक फेल होने से हादसा हो गया। बागपत में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से नीचे लटका। हादसे में चालक की मौत, कैबिन काट कर निकाली गई चालक की लाश। सीहोर के एक स्कूल में क्लास के दौरान अचानक से चलता हुआ फैन गिरा। पढ़ाई कर रही एक छात्रा पर गिरा फैन, घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश भोपाल में मिमिक्री आर्टिस्ट ने आवाज बदलकर की 1,40,00,000 की ठगी। आरोपी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पहले लड़की बनकर बातचीत की, फिर बाद में लड़की का भाई जज और ईडी अधिकारी बनकर ठगे रुपए। यूपी के मुजफ्फरनगर में चोरी के मामले में जेल में बंद कैदी की मौत। पेशी से लौटने के बाद बिगड़ी थे हालात, जहां अस्पताल में कैदी की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पिटाई से मौत का आरोप लगाया। यूपी के झांसी में जेल चौराहे पर युवतियों ने एक युवक को जमकर पीटा। छेड़खानी के विवाद में हुई युवक की पिटाई, माफी मांगने के बाद भाग निकला आरोपी। यूपी के रायबरेली में गांजा की तस्करी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, जहां पुलिस ने 16 किलो गांजा बरामद किया। मैनपुरी में छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट हो गई। छात्रा के परिजनों के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की, साफ तो हुए घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर पुलिस ने खैर की लकड़ी चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 4 तस्करों को धर दबोचा। कब्जे से 8 क्विंटल खैर की लकड़ी और नकदी बरामद। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जहां मारपीट में महिलाएं समेत कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।